चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ही नहीं हरियाणा का भी हक है, ऐसे प्रस्ताव पहले भी आ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि 60-40 रेशियो में चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ था, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी रहेगी। A पर सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा बयान, कहा जब कानून बना तब राइट टू एजुकेशन कानून नहीं था। सीएम ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देना है, इससे गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस पर भी सीएम ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फॉर्म 6 भरकर ही फीस बढ़ा सकते हैं, फीस बढ़ाने का सरकार के संज्ञान में अब तक कोई मामला नहीं है। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हुडा सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा सेक्टर 111 से 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। जलापूर्ति परियोजना पर 10,06,00,000 रुपए की लागत आई। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। भगवंत मान के द्वारा चंडीगढ़ पर अपना हक मांगने को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार में बैठने वाला हर शख्स हरियाणा के हक मारने की बात करता है। वहीं अभय चौटाला ने SYL का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल को केंद्र से SYL के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में कई कार्यक्रम में शिरकत की। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने सुशांत लोक संस्कृत मॉडल स्कूल से स्टूडेंट के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़कर शिरकत की और इसके बाद स्कूल के स्टूडेंट से बातचीत भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ रियल स्टेट के बड़े बिल्डर्स के साथ मिलकर चर्चा की। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब हुए। अपने संबोधन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने छात्रों की तैयार किए प्रदर्शन को देखा। देश भर के छात्र कार्यक्रम में उपस्थित होकर और ऑनलाइन मोड से जुड़कर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। पीएम ने कहा कि परीक्षा जीवन को सहज हिस्सा है, परीक्षा को त्यौहार बना दो तो जीवन में रंग भर जाएगा। पंजाब चुनाव में बंपर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास में जुट गई। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पश्चिमी हरियाणा जोन के अध्यक्ष और संगठन मंत्री सिरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की कमान संभलवाई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से लोग दुखी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अब रोजाना हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले 15 दिनों में सिरसा में भी आम आदमी पार्टी मेगा सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें गांव गांव और घर घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए पंजाब और दिल्ली के विधायकों की ड्यूटियां लगी हैं। अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए अहिर समाज का धरना पिछले 57 दिनों से लगातार चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सांसद हंसराज अहिर खिड़की द्वारा धरना स्थल पर अहिर समाज के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। पूर्व सांसद ने कहा कि अहिर समाज जो सेना में नौकरी लेने के लिए रेजिमेंट की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि सेना में रेजिमेंट बनवाकर अहिर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अहिर समाज की मांग को समझेगी और जल्द ही अहिर रेजिमेंट की घोषणा करेगी। अहिर रेजिमेंट के इस धरने में भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के कार्यालय में दिल्ली सहित फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी उनके इलाके में जो अपराधी है, जंपर है, उनकी डिटेल को एक दूसरे को साझा कर दी गई, ताकि ऐसे अपराधी जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो। महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर प्रशासन की तरफ से अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया, भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अधिकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपना काम जारी रखा।
जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर पिछले 30 से 35 साल से लोग दुकान खोलकर अपने परिवार का गुजार बसर कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने नगरपालिका प्रशासन से तहबाजारी की पर्ची भी बनवा रखी थी और उसका किराया भी भरते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नगरपालिका ने किराया वसूलना बंद कर दिया और दुकानों को अवैध बताया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद 40 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। सोनीपत में एक बार फिर 75 वर्षीय यशवंती बुजुर्ग महिला बहू की शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी कार्यालय के सामने बैठकर बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोती नजर आई। महिला की शिकायत है कि पिछले दिनों बुजुर्ग महिला पर उसकी बहू द्वारा मारपीट और अत्याचार किया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यमुनानगर में पिता ने अपनी ही दो बेटियों को हैवानियत का शिकार बनाया। लॉकडाउन के समय से ही बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था पिता। जब आरोपी ने छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बेटी ने शोर मचाया, जिससे पड़ोसियों को घटना के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। कैथल में घरेलू कलह से परेशान होकर फांसी लगाने जा रही थी महिला, तभी उसके 9 साल के बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद 9 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बचा लिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद महिला को शांत करवाया गया। बच्चे की समझदारी की हर जगह तारीफ हो रही। कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने बच्चे को पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। इसके अलावा एसपी ने उन पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने महिला की जान बचाई। सोनीपत की अनाज मंडी में सरसों की फसल लगातार पहुंच रही है। प्रदेश भर में आज गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हुई। वहीं मंडी में सरसों की फसल लेकर आने वाले किसान इन दोनों काफी खुश नजर आ रहे। दरअसल पिछले साल सरसों की फसल की कीमत 4800 रुपए थी और इस साल 5000 रुपए बढ़ गई। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में आज से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो गई है। बीते दिन फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने फसलों की खरीद की तैयारियों को लेकर बल्लभगढ़ मंडी का दौरा किया था। वहीं आज एसडीएम त्रिलोक चंद ने मंडी का जायजा लिया और आढ़तियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा तय मानकों पर ही गेहूं की खरीद की जाए। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में इस बार सरसों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 5050 निर्धारित किया गया, लेकिन निजी व्यापारी सरसों को करीब 6500 रुपए तक खरीद रहे हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। कालावाली के अनाज मंडी में गेहूं खरीद का आज पहला दिन है, लेकिन कहीं भी गेहूं की डेरियां नजर नहीं आई। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने शहर भर में पैदल मार्च करते हुए प्रोटेस्ट किया और वहीं पीओ मैडम को आंदोलन को लेकर नोटिस भी दिया। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि सरकार समय रहते मांगों को लागू करे, नहीं तो हरियाणा में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। करनाल में नगर निगम के करवाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे से लोगों की आफत बढ़ी। लोगों का कहना है कि कंपनी ने यह सर्वे गलत किया है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के ठीक होने से पूर्व टैक्स की डेडलाइन घोषित करना भी अभी तक नहीं पता चला। हिसार पुलिस ने चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। डीएसपी अशोक कुमार ने कहा कि महेंद्र सब इंस्पेक्टर ने वाहन चोरी के मामले में गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द अन्य आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। टोहाना के गांव समेट की बेटी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रात भंबेरी में चयनित की गई। सोलहवीं 3 दिवसीय सीनियर नेशनल सर्कल स्टाइल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इसका फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल को खेला जाएगा। मुंबई में आयोजित 11वीं और 12वीं नेशनल फील्ड इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जिसमें किरण दलाल साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा में निजी स्कूल की मनमानी लगातार जारी है, जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं।
नाराज अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अब अभिभावक बढ़ी फीस के मुद्दे को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। कल रात से कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो गया है। 10 से 15% ज्यादा देना पड़ेगा टोल टैक्स, आज से नई दरें लागू। पिहोवा के संत ईश्वर सिंह जनरल एवं मल्टी स्पेशल अस्पताल में संत बाबा मानसिंह के निर्देश दिशानुसार 7 दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पानीपत में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल उस समय खुल गई, पानीपत की सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने एक प्रसूता ने ई रिक्शे पर बच्चे को जन्म दिया। प्रदेश भर की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई। झज्जर शहर के अनाज मंडी में आज करीब 20 किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे। वहीं महिला के साथ आई तिमारदारों ने आरोप लगाया कि बार बार बुलाने पर भी कोई स्टाफ नहीं पहुंचा और डिलीवरी ई रिक्शा पर करवाई गई। अस्पताल में नर्स की रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी और सभी स्टाफ वहीं बिजी थे। बहादुरगढ़ में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जहां पहले दिन बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में केवल 2 किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। ऑनलाइन गेट पास नहीं कटने के कारण किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। गेहूं की फसल खरीद होते ही आढ़तियों का दर्द भी सामने आया। आढ़तियों का कहना है कि बहादुरगढ़ के 6 आढ़तियों का लाइसेंस मार्केट कमेटी ने अधिकारियों ने ऑनलाइन नहीं किया। नूह हरियाणा में दूसरे नंबर पर सरसों उत्पादन करने वाला जिला है। इस जिले में इस बार सरसों की फसल काफी अच्छी हुई है। पीले सोने को अनाज मंडी में बेचकर अच्छे भाव लेकर किसान इस बार पूरी तरह से गदगद दिखाई दे रहा है। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल प्रशासन 130 नर्सिंग तथा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोविड स्टाफ के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद गुस्सा अस्पताल के नर्सिंग तथा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोविड स्टाफ ने कर्मचारियों ने मेडिकल अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बिना किसी अग्रिम सूचना के ही नौकरी से निकाल दिया। प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों की प्राइवेट स्कूलों के फ्री शिक्षा के अधिकार को अब बंद कर दिया है। पानीपत में बेलगाम ओवरलोड राख से भरे डंपर ने रॉन्ग साइड जाकर कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, बेटी और उसकी पत्नी गंभीर हालत में है। अंबाला में एनुअल फीस जमा कराने को लेकर अभिभावक पिछले 3 दिन से अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से एनुअल फीस लेने की बात कही जा रही है, जिस कारण पेरेंट्स स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों को लेकर फरीदाबाद के सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो गई। मंदिर के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया कि कल सुबह 8 बजे ज्वाला जी से लाई गई ज्योत से मंदिर में 9 ज्योतियां प्रचंड की जाएंगी। सूरजकुंड मेले में इस बार क्राफ्टमैन नेम चंद प्रजापति खालिस मिट्टी से निर्मित प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जिसमें पानी की बोतल, दाल और बिरयानी हांडी शामिल है। इनकी कीमत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। मेले में आने वाले दर्शक मिट्टी से बने बेहतरीन क्राफ्ट को खरीद रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरी। रेवाड़ी नगर परिषद ईओ एमई के खिलाफ कार्रवाई की गई। पलवल जिले के गांव गढ़ी पट्टी में 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गांव की महिलाओं को परेशानी हो रही है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ये पानी की समस्या 2 महीने से नहीं कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पब्लिक हेल्थ विभाग के जेई अजय कांगड़ा का कहना है कि जल्द ही गांव की पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा।
गुरुग्राम के गांव बसई में तेल की कंपनी में आग लग गई, 4 सीएनजी कार भी आग में फंस गई। एसी के 3 कंप्रेसर लगातार फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण एक 45 वर्षीय शख्स की भी आग में झुलसने से मौत हो गई। आम आदमी पर महंगाई की मार जारी, 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 250 रुपए, दिल्ली में सिलेंडर की कीमत अब 2253 रुपए। रूस और यूक्रेन के बीच 33वें दिन भी जंग जारी, इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बड़े बयान दिए। पुतिन ने डॉलर में गैस के व्यापार कम करने पर रोक लगा दी है, अब नाटो समेत दुनिया के सभी देशों को रूबल में पेमेंट करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित रूस के खिलाफ खड़े देशों को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन में लगातार हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उसके विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि अगर इस तरह का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम इसे अपनी खरीदारों की ओर से आने वाले सभी परिणामों के साथ दायित्वों का उल्लंघन मानेंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले सामने आए, 1594 लोग डिस्चार्ज हुए और 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में आज से बिना मास्क पहनने वालों पर कोई जुर्माना नहीं, कल से पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी छूट। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अब खत्म किया जा सकता है।